हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा। देवों में सबसे सुंदरतम देव है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई बातें अनजानी और रहस्यमयी है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्ज महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको उस युग के सर्वश्रेष्ठ युगा पुरुष या युगा अवतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल और अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांक्षा था, जो आज के समय में देवी विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती है। श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी यानी कि बलराम जी की माँ, जो नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में ही व्यतीत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ ही महीने में पूरी कर ली थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही दांड्या रास का आरंभ किया था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए थे जो किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने गुरु संदीपन को गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके मृत बेटे को जीवित कर दिया था और मथुरा में मामा कंस का वध भी किया था। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी हैं। द्वापर युग में उन्होंने कई लीलाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत की थी। उनकी अनेक लीलाओं के कारण ही भगवान कृष्ण को दुनिया भर में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम है, जिनमें गोविंद, वासुदेव, घनश्याम, देवकी नंदन, हरि, कन्हैया, माधव, द्वारिकाधीश और रणछोड़ आदि नामों से उनको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म व्यवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे राधा रानी से सिर्फ एक बार ही मिले थे, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ताउम्र आत्मा का रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी पटरानियां थी। उनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण के शरीर में भी देखने को मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक था और उनकी गदा का नाम कौमुदकी था और उनके शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र थे, पाशुपतास्त्र जो भगवान शिव, भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और प्रसवपास्त्र जो भगवान शिव, वसुगण, भीष्म और भगवान कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक व बाहुक था। उनके घोड़े यानी कि अश्वों के नाम थे सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण से भगवद गीता सबसे पहले सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं बल्कि हनुमान जी और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश है और सदैव रहेगी। भगवत गीता में एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है और वो श्लोक यह है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानं सुजाम्यं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक से श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और फिर से धर्म के स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ऐसा हर युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु उनमें तीन सर्वाधिक भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और कालियवन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। और फ्रेंड्स, इन सभी युद्धों पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं जल्दी से उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और फ्रेंड्स, आपको इस चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है इनक्रेडिबल फैक्ट्स, तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में प्रभु महादेव के समझाने से दोनों शांत हुए। और फ्रेंड्स, भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही है। पर फ्रेंड्स, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से भी युद्ध किया था। भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। और फ्रेंड्स, ये युद्ध किस वजह से हुआ और भगवान महादेव और श्री कृष्ण में से किसकी जीत हुई वह जानना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच किस वजह से युद्ध हुआ वह जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताएं ताकि उसके ऊपर अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध में यानी कि महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गांधारी भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में आकर उन्हें श्राप देती है कि उन्हें अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादव के बीच एक त्योहार में लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्ण जरा को क्षमा कर देते हैं और देह त्याग देते हैं। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपने योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में ही लौट गए। मत्स्य पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण 89 वर्ष के थे यानी कि 89 ईयर्स के। महाभारत के मोसा पर्व का कहना है कि कृष्ण की मृत्यु युद्ध के 36 साल बाद हुई थी जो 125 साल तक का है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आयु 125 साल थी। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई जूरी थी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।